पूरे देश जानता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार कितना रहता है, कितने स्कैम से सारा दुनिया जानता है। उसका नाम स्कैमग्रेस किया गया है, वो पूरा जनता जानता है, देश जानता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बात करना तो हंसी मजाक है। कहाँ सत्ता आने का मौका मिलेगा उनको? कौन कह रहा है कि उनको सत्ता आएगा? मुश्किल से अगर हो सकता है तो कोएलिशन सरकार आ सकता है, लेकिन वो कांग्रेस खुद में शायद सत्ता में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस देश में। कांग्रेस पार्टी अंधाधुन तरीके से जो मन में आया, जो जबान पे आया, लोगों को आश्वासन देते गया बिना किसी सोच समझ के, सिर्फ वोटों के चक्कर में। 6 गारंटीज बोल के सोनिया गांधी, सभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यहाँ के मुकामी लोग पूरे मिलकर एक जलसा कर उसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से बोले, ये 6 गारंटी अमल करने के लिए हम सत्ता में आने के फौरी बाद इसको एक एक्ट का शक्ल देंगे, बिल पास करेंगे और 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ उन्होंने 420, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो नंबर ऐसा हुआ, 420 और आश्वासन दिए हैं लोगों को, 420। उसमें से एक भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करे, एक भी। एक चीज़ सिर्फ ये किया कि फ्री बस औरतों के लिए, और वो हंसी मजाक हो गया। लोग खुद, औरतें खुद उसको तू तू बोल रहे हैं, औरतें खुद नहीं समझ रहे उसको, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे करके। तो एक भी नहीं किया, जो कर सकते थे नहीं किया। सबसे अजीब बात इसमें से यह है कि हम राई तो बंधु देते थे, किसान के लिए किसान बंधु प्रोग्राम था, 1 एकड़ को हम 10,000 रुपये हर साल देते थे निवेश के लिए। उन्होंने कहा कि हम 15,000 देंगे। और अजीब बात यह है कि हमारा 5,000 भी वो नहीं दिया अभी, पहला जो देना है पहले फसल के लिए। साल में 2 फसल होते ना हमारे पास, तो एक फसल को पांच हम देते थे। उन्होंने कहा 5 नहीं, हम 7.5 देंगे, लेकिन वो 5,000 भी नहीं दे पाए एक, और सारे किसानों को जैसे हम देते थे नहीं दे पाए। उससे आज किसान बहुत नाराज है, और जो स्थिति दिख रही है उनमें कोई तालमेल नहीं है, कैबिनेट का एकजुट नहीं है, जो मनमानी कह कर रहे, कौन क्या करता नहीं समझ में आता, और 100% फ्लैप हो गया, और ये नहीं कर पाएंगे मुझे पूरा अंदाजा है। लेकिन सर, 10 साल जो आपकी सरकार रही उसमें आपकी सरकार की पहचान कमोबेश ये रही कि एग्रीकल्चरिस्ट वेलफेयर के लिए आपकी पॉलिसी जो है वो रही। लेकिन राहुल गांधी आजकल लोकसभा चुनाव में किसानों को MSP देने की बात हो, किसानों के कर्जे माफी की बात हो, बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार इस प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो क्या राहुल गांधी जो कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी है वो पूरा कर पाएगी अगर सत्ता में आने का मौका मिलता है तो? कहाँ सत्ता आने का मौका मिलेगा उनको? कौन कह रहा है कि उनको सत्ता आएगा? मुश्किल से अगर हो सकता है तो कोएलिशन सरकार आ सकता है, लेकिन वो कांग्रेस खुद में शायद सत्ता में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस देश में, जो स्थिति बन रही है। और दूसरी बात है, कांग्रेस हमारे से पहले 50-55 साल इस देश में, इस राज्य में राज किया, तब भी उनका क्या रवैया था पूरे लोग जानते। अब क्या है, उनके अंधाधुन बयान और अंधाधुन आश्वासन, इलेक्शन प्रॉमिसेस जो होते उसमें थोड़ी सी पब्लिक पॉलिटिक आ गई, थोड़ी सी। उसका फासला था 1.8%, सिर्फ 1.8% का वोट उनको ज़्यादा मिला, इसलिए उनको सत्ता हासिल हुआ। तो लेकिन ये इन आश्वासनों पे अब मजाक उड़ गया लोगों में, किसान आज रो रहे, एक वादा इम्प्लीमेंट नहीं किया एक बात है, तो दूसरी बात यह है उसके साथ ही साथ करंट नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से किसानों को मिलना चाहिए था। कम से कम 10 लाख एकड़ का खेत सूख गया, 10 लाख एकड़ का। किसान बहुत नाराज है, मायूस है, और इस चुनाव में मैं समझता हूँ उनको सबक सिखाएंगे। सर, इस चुनाव में आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है? दोनों के साथ है, इसलिए कि दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है, दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है, ये बात कई विषयों में साबित हुआ, तो इसलिए हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जनता है देश की और तेलंगाना की, वो किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्या इशू जनता के जहन में आपको लगता है कि है? देश के किसान बहुत परेशान हैं, और किसानों के साथ दोनों पार्टियां भी अन्याय किया है आज तक,
और खासतौर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जनता जाएगा। मैं समझता हूं उनको अपने तौर पर भरपूर मेजॉरिटी आ ही नहीं सकती। और जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात काफी की, क्या तेलंगाना की जो कांग्रेस की सरकार है वो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार किए बिना सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी? ऐसा है, पूरे देश जानता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार कितना रहता है, कितने स्कैम्स हुए, सारा दुनिया जानता है, 2G स्पेक्ट्रम ये वो, इसलिए उसका नाम स्कैमग्रेस किया गया है। वो पूरा जनता जानता है, देश जानता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बात करना तो हंसी मजाक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।